नमस्कार, आप देख रहे हैं द बिहार टॉप। मैं हूं आदेश पुरी। महागठबंधन में काफी माथा पच्ची मचा हुआ है टिकट बंटवारे को लेकर। आपको बता दें कि महाराजगंज सीट और मोतिहारी सीट को लेकर एक खबर आ रही है सूत्रों के हवाले से, काफी महत्वपूर्ण खबर है। आज बिहार प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष अखिलेश प्रसाद सिंह और लालू यादव के बीच में मुलाकात हुई है और तरह तरह की खबरें आ रही है। आपको बता दें कि सबसे महत्वपूर्ण जो खबर है वो महाराजगंज सीट से है। आपको बता दें कि जो राजनीति के गलियारे से खबर आ रही है उसके मुताबिक महाराजगंज से कांग्रेस की सीट पर प्रभुनाथ सिंह के बेटे रणधीर सिंह उम्मीदवार बन सकते हैं। वजह आपको बताते हैं हम। छपरा से लालू यादव की बेटी रोहिणी आचार्य उम्मीदवार बनी है। घोषणा होना बाकी है लेकिन आज से उन्होंने जनसंपर्क की शुरुआत कर दी है और ऐसे में छपरा में राजपूतों का जो वोट है वो काफी संख्या में है और प्रभुनाथ सिंह का प्रभाव रहा है। छपरा में रणधीर सिंह का प्रभाव है और ऐसे में राजपूत वोटों को अपनी तरफ मोड़ने के लिए, उनका समर्थन प्राप्त करने के लिए जरूरी है कि छपरा और सिवान के ही लोकसभा क्षेत्र महाराजगंज में एक महागठबंधन से राजपूत उम्मीदवार हो। एक अच्छा मैसेज आएगा क्योंकि बता दे छपरा और महाराजगंज दोनों जो है वो राजपूत बहुल लोकसभा क्षेत्र है जहां पर राजपूतों का काफी दबदबा है और ऐसे में महागठबंधन की तरफ से दोनों सीटों पर अभी तक कोई भी राजपूत को टिकट देने की बात नहीं चल रही थी। छपरा तो लालू यादव की बेटी रोहिणी आचार्य के लिए ही था और महाराजगंज को लेकर जो है कभी कन्हैया का नाम आता था तो कभी किसी और का नाम आता था। लेकिन आपको हम बता दें कि आज जो भेंट मुलाकात हुई है लालू यादव और अखिलेश प्रसाद सिंह के बीच, इसके मायने यही निकाले जा रहे हैं। और एक और खबर आ रही है कि मोतिहारी सीट जो है वो आरजेडी के खाते में है और अदला बदली हो रहा है, यानी कि महाराजगंज जो कांग्रेस के खाते में थी वहां से राजद के उम्मीदवार को उतारा जाए और मोतिहारी जो राजद के खाते में है वहां पर कांग्रेस का उम्मीदवार उतारा जाए और वहां पर उम्मीदवार हो सकते हैं आकाश सिंह, यानी कि अखिलेश सिंह के बेटे, जो कि 2019 में भी उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी से उम्मीदवार बने थे लेकिन चुनाव हार गए थे। तो इस बार जो है सबसे पहले बता दें आपको कि पश्चिम चंपारण कांग्रेस के खाते में गया है और सूचनाएं निकल के आ रही थी कि पश्चिम चंपारण से आकाश सिंह उम्मीदवार हो सकते हैं। लेकिन अब बता दे कि अभी जो खबरें निकल के आ रही है, सियासी मायने निकाले जा रहे हैं सूत्रों के हवाले से, खबर है कि महाराजगंज और मोतिहारी सीट को लेकर अदला बदली हुआ है। सिंबल जो पार्टी के हवाले जो सीट किया गया है उसी है पार्टी के हवाले रहेगा, लेकिन उम्मीदवार अपने जो है वो पार्टी बदल लेंगे। यानी कि रणधीर सिंह जो अभी तक आरजेडी के उम्मीदवार थे, आरजेडी में शामिल थे, हो सकता है आरजेडी छोड़कर कांग्रेस में शामिल हो और महाराजगंज से उम्मीदवार बन जाए ताकि छपरा सीट पर राजद को राजपूतों का समर्थन मिले। छपरा और महाराजगंज जो है राजपूत बहुल लोकसभा सीट है। इसके अलावा बता दें कि ऐसा अगर होता है तो मोतिहारी सीट पर आरजेडी अखिलेश प्रसाद सिंह के बेटे आकाश सिंह को उम्मीदवार बना सकती है, इसकी चर्चाएं चल रही है। और बता दें अखिलेश प्रसाद सिंह जो है अपने बेटे आकाश सिंह को चुनाव लड़ाने के लिए पूरी जीतोड़ कोशिश में लगे हुए हैं। पहले पश्चिम चंपारण की बात चल रही थी लेकिन अब जो है जो भेंट हुई है लालू यादव के साथ उससे यही मायने निकाले जा रहे हैं, यही खबरें निकल के आ रही है कि अब यही सेट हुआ है कि महाराजगंज कांग्रेस के सीट पर वहां से प्रभुनाथ सिंह के बेटे रणधीर सिंह लड़ेंगे और मोतिहारी में आरजेडी के सीट पर, आरजेडी के निशान पर अखिलेश प्रसाद सिंह के बेटे आकाश सिंह लड़ेंगे। और आपको बता दें कि सबके बीच में कन्हैया कुमार का कोई अता पता नहीं है। कन्हैया कुमार को लेकर केंद्रीय नेतृत्व कांग्रेस का जो है वो पूरा जीतोड़ मेहनत किए हुए था, लगातार दबाव बनाए हुए था कि इन्हें भागलपुर या महाराजगंज से उम्मीदवार बनाया जाए। तो बता दें आज घोषणा हो गया, भागलपुर से अजीत शर्मा ही उम्मीदवार रहेंगे और महाराजगंज से पूरी संभावना है कि प्रभुनाथ सिंह के बेटे रणधीर सिंह उम्मीदवार बनेंगे और ऐसे में कन्हैया का पत्ता कटता हुआ महसूस हो रहा है। तो कहने का मतलब है कि लालू यादव का जो चलती है
महागठबंधन में, वो सबसे ज्यादा है, जो चाह रहे हैं वही हो रहा है। वो अपने से अपने उम्मीदवारों के सिंबल बांटते रहे। कांग्रेस को उन्होंने ऐसी ऐसी सीटें दी जहां से कांग्रेस जो है 1984 के बाद से आज तक जीती नहीं है। कन्हैया का दबाव था कि कन्हैया से कन्हैया को उम्मीदवार बिहार से में बनाया ही जाए, लेकिन अंततः जो उम्मीद महाराजगंज बचा हुआ था वो भी उम्मीद खत्म हो गया है। कन्हैया हवा हवा ही हो गए, कोई सुनने वाला नहीं है, कोई ध्यान देने वाला नहीं है। और अब पूरी संभावना है कि महाराजगंज भले ही कांग्रेस के खाते में होगी, उम्मीदवार आरजेडी का होगा, मोतिहारी भले ही आरजेडी के खाते में है लेकिन उम्मीदवार कांग्रेस का होगा। कहेंगे अब देखिए इस खबर में कितनी सच्चाई है, लेकिन सूत्रों के हवाले से यही खबर निकल के आ रही है। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। वीडियो पसंद है लाइक शेयर करें, हमारे चैनल द बिहार टॉप को सब्सक्राइब जरूर कर लें। धन्यवाद।